ये किस्सा शुरू होता है महादेव की नगरी बनारस से। यूपी के सातवें मुख्यमंत्री तमाम कांग्रेस नेताओं की तरह बनारस से ही थे। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री। 3 सितंबर 1905 ये वही दिन है जब राजनीति को हॉबी और प्रोफेशन दोनों समझने वाले कमलापति त्रिपाठी का जन्म हुआ। काशी विद्यापीठ से पढ़ाई की, शास्त्री और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। अब यूपी में शासन करने से पहले उसे समझना भी जरूरी था, फिर क्या, अखबार आज में पत्रकार के तौर पर अपना करियर शुरू किया। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में जानकार थे तो लिखते भी बढ़िया थे। उस दौर में गांधी जी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जेल जाना और पुलिस से मार खाना चौपाटी घूमते हुए भेलपुरी खाने जैसा था। कमलापति भी आंदोलनों में पार्टिसिपेट करने लगे, जेल भी जाने लगे। 16 की उम्र में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए। धीरे धीरे यूपी की राजनीति में इनका बड़ा नाम बनने लगा। 1937 के चुनाव में विधानसभा में चुने गए। ये सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा। 1946, 1952, 1957, 1962 और 1969 में भी चुने गए। राजनीति में प्रवेश करने के बाद इनका कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। आजादी के वक्त संविधान सभा के भी सदस्य रहे। अब इतनी मेहनत कर रहे थे तो सबकी नजर में छाप तो छोड़नी ही थी। फिर यूपी की राजनीति में कमलापति त्रिपाठी का अपना एक गुट बन गया था। इनकी बाकी नेताओं जैसे चंद्रभानु गुप्ता और त्रिभुवन नारायण सिंह से बनती नहीं थी। ये राजनीतिक दुराव था पर व्यक्तिगत नहीं। पर राजनीति ऐसी चीज ही है कि सबको कुछ ना कुछ करने पर बाध्य कर देती है। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किन हालातों में सुचिता कृपलानी को यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया था। पर इसके तुरंत बाद नेहरू की मौत हो गई थी। फिर नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो गई तो कांग्रेस ने जल्दबाजी में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। ये घटना यूपी की राजनीति को भी प्रभावित कर रही थी। कमलापति त्रिपाठी उस वक्त राजनीति की नब्ज पहचानते थे तो वो भी इंदिरा गांधी के साथ हो लिए। 4 अप्रैल 1971 को कमलापति त्रिपाठी को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो उस वक्त चंदौली से विधायक थे। पर कमलापति के राज में एक ऐसी घटना हुई जो सिर्फ अंग्रेजों के राज में हुई थी। इससे अंग्रेजों का तो कुछ बिगड़ा नहीं पर कमलापति की कुर्सी चली गई। 1946 के नौसेना विद्रोह के बाद का दूसरा विद्रोह हुआ। 1973 में उत्तर प्रदेश का पीएसी का विद्रोह हुआ। नौसेना का विद्रोह तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था लेकिन आजादी के बाद हुआ पीएसी की 12वीं बटालियन का विद्रोह अपनी ही सरकार के खिलाफ था। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री केसी पंत द्वारा 30 मई 1973 को राज्यसभा को दी गई सूचना के अनुसार 22 से 25 मई 1973 तक चले इस विद्रोह को दबाने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई के दौरान सेना ने भी अपने 13 जवान खो दिए थे और 45 अन्य घायल हो गए थे। इस विद्रोह का राजनीति पर इतना जबरदस्त असर हुआ कि 425 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में 280 सीटों वाली कांग्रेस की कमलापति त्रिपाठी सरकार को 12 जून 1973 को सत्ता से हटना पड़ा था। इसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया जो करीब 150 दिनों तक रहा। हालांकि कमलापति की राजनीति खत्म नहीं हुई थी। वो 1973 से 78 तक, 78 से 80 तक और 85 से 86 में राज्यसभा के सदस्य रहे। 1980 से 84 में लोकसभा के रहे। 1973 से 77 तक रेल मंत्री रहे। 1977 से 80 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। इस वक्त इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी। रेल मंत्री के तौर पर इन्होंने बनारस को कई ट्रेनें दी जिसमें काशी विश्वनाथ, साबरमती सहित 6-7 ट्रेनें शामिल थी। फिर इंदिरा गांधी की भी मौत हो गई। राजीव गांधी ने नौजवान नेताओं की फौज इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। इसी में कमलापति त्रिपाठी को कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से हटाकर अर्जुन सिंह को बना दिया गया। इसके बाद कमलापति दरकिनार कर दिए गए। जब 1987 में विहिप ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया तो कमला ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर गिरने वाला पहला फावड़ा मेरी गर्दन पर गिरेगा। कमला ने अपने जीवन में राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध बातें शुरू की थी। 85 साल की उम्र में कमला दिल्ली की 9 जनपद की VIP क्वार्टर्स में बिसुरे अकेले रहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं वक्त को मार रहा हूं, जब तक कि वक्त मुझे नहीं मार दे। आवाज टूट रही है, आंखें पानी से भरी जा रही हैं, खालीपन खा रहा है। नजमा हिप्तुल्ला, केके तिवारी, मार्गरेट अलवा सबने कमला से ट्रेनिंग ली थी पर सबने उन्हें भुला दिया था। कमला ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि सब मेरी इज्जत करे पर अपमान तो ना करे। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़कर मैंने कोई अपराध नहीं किया था। 1983 में जब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हार हुई तो इंदिरा ने कमला को दोनों जगहों का प्रभारी बना दिया। बाद में राजीव ने इनकी इज्जत करनी बंद कर दी थी। 1986 में कमला ने राजीव को एक जहर बुझी चिट्ठी लिखी पर बाद में कांग्रेस ने इनको धर के दिया। बाहर नहीं निकाले गए, बस यही बच गया। मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसने मुझे बर्बाद किया वरना मैं भी आदमी काम का था। एक जगह पर पैर छुए गए तो कहा, आशीर्वाद देना हमारे खानदान का काम है। 8 अक्टूबर 1990 को कमलापति त्रिपाठी की मौत हो गई। इनकी मौत के बाद बनारस BJP का गढ़ बन गया।
बेचन शर्मा उग्र ने कमलापति त्रिपाठी के नेता बन जाने पर उनके बारे में खूब लिखा है। इसी से थोड़ा पता चलता है कि नेता बनकर रहना कितना मुश्किल है और कितना कुछ बदलना पड़ता है। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.बातेंupi.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नए मुख्यमंत्री की नई किस्सों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।